नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। शादी के 20 दिन बाद नव विवाहिता पति को बहाने से लाई बाहर, प्रेमी को भी बुलाया, फिर चलती कार में सुहाग से धोखा। शाहजहांपुर शहर के अंटा चौराहा से अनजान चौकी जाने वाली रोड पर गुरुवार को कार में विवाहिता ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पति की मफलर से गला घोंटकर हत्या का प्रयास किया। शोर होने पर चौकी के पुलिसकर्मी दौड़कर आ गए और तीनों को हिरासत में ले लिया। पति की तहरीर पर पुलिस ने पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी के रेलवे कॉलोनी निवासी अरुण कुमार वाल्मीकि व ट्विंकल निवासी अजीजगंज के खिलाफ अपहरण कर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। सीओसीटी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि चौक कोतवाली क्षेत्र के अजीजगंज निवासी सूरज गाड़ी चलाता है। उसकी शादी खुदागंज के एक गांव निवासी ट्विंकल से 3 दिसंबर को हुई थी। पुलिस के मुताबिक ट्विंकल का पीलीभीत के रहने वाले अरुण कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ट्विंकल की शादी सूरज से बिना उसकी मर्जी के हुई थी, इसलिए अरुण और ट्विंकल ने भागने का प्लान बनाया था। गुरुवार को सूरज और ट्विंकल हनुमत धाम घूमने आए थे। सूरज ने बताया कि अरुण भी अपनी कार से आया था। ट्विंकल ने अपने प्रेमी का परिचय चाचा के बेटे के रूप में पति सूरज से कराया था। इसके बाद ट्विंकल ने नई बस्ती में मामा के बीमार होने की बात कहते हुए चलने की जिद की। ट्विंकल व उसका पति कार में बैठ गए। जब कार विपरीत दिशा बांका घाट की ओर जाने लगी तो सूरज को शक हो गया। उसने आपत्ति की। आरोप है कि तभी पीछे बैठी पत्नी ने सूरज का मफलर गले में कसकर जान से मारने का प्रयास किया। गाड़ी चला रहे उसके प्रेमी ने प्रेमिका का साथ दिया। इस बीच अंटा चौराहे से अनजान चौकी रोड पर सूरज ने शोर मचाया और गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से हाथ मारा तो होमगार्ड दौड़ पड़ा, तीनों को पकड़ लिया। युवक के मुंह पर चोटें आई थी। पुलिस तीनों को सदर थाने ले आई। काफी देर तक यहां पूछताछ के बाद मामला चौक कोतवाली का होने पर वहां भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहांपुर। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।